दर्शकों की नमस्कार। अवधी भाषा संस्कृति पर आधारित अवध संस्कृति कार्यक्रम में यहाँ आप लोगों का स्वागत है। खास करके हम लोग बागेश्वरी विशेष आज जो है ये विश्व में COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस के जो संक्रमण है पूरा विश्व परेशान है। यही विषय वस्तु पर रह के नेपाल में एक असर है और खास करके शिक्षा क्षेत्र में ये COVID-19 कोरोना वायरस की वजह से एक असर पड़ा है। हम लोग उनके साथ में स्टूडियो में है नेपाल शिक्षक संघ बांकी के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये जैसे COVID-19 जो है आज कोरोना वायरस पूरा विश्व का महामारी के रूप में फैला है, खास करके अब जो है FM के मार्फत या ऑनलाइन मार्फत शिक्षा क्षेत्र का घर घर तक पहुंचाए प्रयास करा जाते हैं, तो उसे विद्यार्थी लोगों का थोड़ा नवा चीज है, समस्या है, भले ही मजबूरी में है लेकिन कैसे वो लोग अपने का असमंजस में बराबर में कैसे तुलनात्मक में एडजस्ट करके मिलाए के कैसे आगे बढ़े। धन्यवाद कृपा जी। वास्तव में अभी विश्व COVID-19 कोरोना वायरस रोग से परेशान है और हर जगह लॉकडाउन है और नेपाल में भी लॉकडाउन है और नेपालगंज बांके जिला में भी ये असर पड़ा है। तो अभी विद्यालय के बच्चे लोग सब घर में बैठा है और ये रोग के नाम सुन के भी सब एक किस्म के त्रास बच्चे लोग के मन में डर है और एक महीना से लगभग ज़्यादा होएगा अभी लॉकडाउन। तो ये बीच में बच्चे लोग जो पढ़े हैं वो पढ़े वाला चीज़ भी न भूल जाए कह के हम लोग शिक्षक महासंघ, हम लोग के छात्र संगठन है शिक्षक महासंघ नेपालगंज उपमहानगर पालिका खजुरा जानकी बैजनाथ ये कार्यक्रम के लिए सहयोग करत है और हम लोग ये FM मार्फत और FM के जो वेबसाइट है वेबसाइट ऑनलाइन मार्फत भी हम लोग इस शिक्षा का आगे बढ़ावा गया है। ये 14 गते से कार्यक्रम प्रसारण होए के शुरू हुआ है दोपहरिया के 3 बजे से लेके 5 बजे तक। पहले सेशन में हम लोग प्राइमरी 4 और 5 का लिया जाते हैं, दूसरा सेशन में दूसरा एपिसोड में उनका 6 से 8 तक और तीसरे एपिसोड में 3:15 बजे 4:15 बजे से मावी कक्षा 9-10 के कक्षा भी संचालन होते। कल नेपाली विषय के पढ़ाई हुआ है, आज अंग्रेजी के हुई है। ऐसे ऐसे विज्ञान गणित और सामाजिक 5 ठो जो अनिवार्य विषय है एक हम लोग अभी लिया गया है। जैसे कि अभी लोगों में कुछ लोगों का सूचना नहीं पहुंचा गई के बात आते तो आप उनका उनका सूचना भी थोड़ा से पहुंचावा जाए और उसके बाद वो लोग एक दूसरे का मतलब तुलनात्मक बराबर कैसे करे। काफी लोग अभी जिसे आज भी बात तो लोग कहीं ना हमका सूचना ना है, हम कैसे एडजस्ट करिए यानी कि उनका कैसे मिलाई, कभी FM से अनुभव तो हुआ नहीं पड़ेगा। जी जी जी। एकदम नवा चीज है तो थोड़ा से आप एक अध्यापक होए के नाते से सहज रूप से आपके आवाज का दर्शक तक पहुंचे, वो लोग कैसे ना ना घबराए आराम से पढ़े तो कैसे के तरीका कैसे अपनावा जा सकते है सहज रूप से। इसके लिए जो FM से हम लोग अभी प्रसारण करे थे कार्यक्रम वो FM भी सुबह से लेके शाम तक प्रसार करते है और फेसबुक मैसेंजर से हम लोग जितने शिक्षक लोग हैं इमा समावेश शिक्षक संघ संगठन महासंघ में जितने आबद्ध संगठन है हम लोग भी अपने फेसबुक और मैसेंजर मार्फत एक प्रचार प्रसार किया गया है और एक प्रचार प्रसार आपका भी हम धन्यवाद दी थे, बागेश्वरी टेलीविजन का धन्यवाद दी थे, ये कार्यक्रम का धन्यवाद दी थे कि इससे भी प्रचार प्रसार हुई है कार्यक्रम का और प्रचार प्रसार मौखिक प्रचार प्रसार भी होते। एक घर परिवार में जो बोला थे अभिभावक सुबह समाचार सुना थे, दिन भर रेडियो सुना थे, तो इससे एक दूसरे में प्रचार होने की संभावना ज़्यादा है। अभी कल ही से हम लोग 14 गते से का शुरू किया गया है और बड़ा जल्दबाजी में है, मतलब ये कार्यक्रम हम लोग का पहले भी हम लोग फेसबुक मार्फत से शुरू करे रहे। फेसबुक में हम लोग रोस्टर शिक्षक आज से लगभग 15 दिन पहले सब विषय के 5-5 ठो शिक्षक के नाम रख के रोस्टर शिक्षक बनाए के हम लोग फेसबुक में डाला जा रहा है और सबको शेयर किया। लगभग उमा 450 से ज़्यादा आदमी शेयर करी नहीं हमारे लोग के उस रोस्टर शिक्षक के नाम लोग फेसबुक में। उससे भी बच्चे लोग फोन मार्फत भी अभी 7-5 से 35 शिक्षक लोग का माँ दिन में 2-4 ठो फोन आवत है। हम लोग वो माध्यम टेलीफोन मार्फत मोबाइल मार्फत से भी पढ़ावा जाते और ये जो अभी जो FM मार्फत से आपका आगा FM मार्फत से प्रचार प्रसार हो रहा है और हम चाहते हैं जो भी आदमी सुने का जो भी सुने ये अपने अगल बगल में फोन कह के हो, अभी तो एक दूसरे के घर में जाए ना होते, फोन के माध्यम हो, फेसबुक चलावते फेसबुक के माध्यम से हो और भी सामाजिक संजाल जितने हैं इससे प्रचार प्रसार कह दे तो बच्चे लोग का थोड़ा आराम हो। ऐसे अभी संस्थागत विद्यालय लोग जूम के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा देते
और संस्थागत विद्यालय बोर्डिंग, जिसे हम लोग बोर्डिंग कहा जाते हैं, बोर्डिंग के बच्चे में जिनके घर में खाई पिए वाला होते, जो सुखी संपन्न होते, उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं, उनके घर में अच्छा मोबाइल भी रहते हैं, तो मोबाइल के मार्फत से, जूम के, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से उनके बच्चे तो पढ़ रहा है। लेकिन हम लोग जो समुदाय विद्यालय में हम लोग के शिक्षक हैं, हम लोग के बहुत गरीबी की रेखा मुनि के अभिभावक लोग के बच्चे लोग पढ़े आवत है। तो हम लोग सोचा गया FM रेडियो और छोटा मोबाइल तो सबके घर में रहते हैं, अब मोबाइल में भी FM रहते हैं, तो ये जो हम लोग FM के मार्फत से जो अभी शिक्षा दिया जाते हैं, हमका लगा थे मोबाइल जिनके घर में रेडियो नहीं है, अभी रेडियो तो बहुत घर में नहीं है, तो मोबाइल के माध्यम से भी FM सुन के बच्चे लोग कुछ पढ़ लें। और इमें हम क्या कहे चाहिए थे कृपा जी, ये कार्यक्रम के माध्यम से 3 बजे से लेके 5 बजे तक जो कोई भी कार्यक्रम या आप जो संचालन किया जाते हैं, आज हम लोग जो कहा जाते हैं, जो अभिभावक ये कार्यक्रम देखिए अपने बच्चे का 3 बजे से लेके 5 बजे तक रेडियो खोल के अपने मोबाइल के माध्यम हो अथवा रेडियो हो चाहे जौन हो, खोल के बच्चे लोग का, अपने बच्चे लोग का 2 घंटा समय आप लोग दिया जाए, उससे बहुत फायदा हुई है। खास करके अभी COVID-19 जो कोरोना वायरस विश्व के महामारी नेपाल में पहला अनुभव ऐसा है जी जी। हालांकि विश्व में कई ठोक रोग आ रहे हैं, लेकिन ये जो COVID-19 अब एक दूसरे से बोलो नहीं, कम से कम 1 मीटर से दूरी रहो, साबुन पानी लगाया चीज का, तो ये भी मतलब समावेश शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के बारे में, COVID-19 के बारे विषय भी रेडियो में कार्यक्रम रहा था कि नहीं, साथ ही ये भी मैसेज दिया जाता कि नहीं संदेश। कल पहला एपिसोड में ये चीज तो नहीं हुआ, लेकिन COVID-19 के महामारी के वजह से ही ये शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा शुरू हुआ गई कहीं के तो कहा तो जात है। लेकिन अब हाथ धोना, दूरी बनाए के रखना और बाहर एक दूसरे से मतलब सोशल डिस्टेंस कहा जाता है, सामाजिक दूरी, एक तो कायम रखो कहीं के लगभग आज 1 महीना 45 दिन से रेडियो टेलीविजन सारा आदमी का जानकारी हुआ है। फिर भी आप एक बढ़िया चीज जानकारी दिया गया है, कार्यक्रम के बीच में हम अब सुझाव देवे कार्यक्रम संचालक का, अपने शिक्षक जी लोगन का, कि बीच बीच में एक भी रखे से अच्छा रही है संदेश रखे से भी अच्छा रही है। और खास करके अभी ऐसी परीक्षा है जिसे आवे का बाकी है, 11-12 के है, उसके बाद फिर SLC अंदर के जो 8-9-7 के जो अभी उन लोगों के नाम लिखे समय रहा है जी भी नहीं कर पाए, अब वो लोग मतलब नाम कैसे हुई, तो जैसे भरना अभियान के बारे में, हाँ भरना अभियान के बारे में। हाँ भरना अभियान वास्तव में अभी हम लोग के नया सेशन विद्यालय में शुरू हो गया पूरा नेपाल भर में, हिमाली जिला बाहेक अभी भरना अभियान के समय Baisakh 2 गते से 10 गते तक भरना अभियान के समय रहा थे, और इस समय में ही बच्चे लोग का एडमिशन और नया किताब देना और रिजल्ट प्रकाशन करना रहा थे हम लोग का 2 गते से पहले। तो ये तो लॉकडाउन तो लगभग 1 महीना हो गया, तो आपके चैत्र के 11-12-13 गते से लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो अभी ना हम लोग विद्यालय में बच्चे का रिजल्ट निकाले का मौका मिला है, कहा कि घरे में रहो कहते हैं और विद्यालय न खोलो के बात होते हैं, तो हम लोग क्या किया गया है कि बांके जिला में बहुत विद्यालय यही का अपना इन्हें कि मैसेंजर मार्फत से भी सब टीचर लोग अपने मोबाइल यूज करते हैं, मैसेंजर या मोबाइल के माध्यम से हम लोग अपन जो कापी चेक किया गया है वो नंबर भेजा गया है, और क्लास टीचर लोग रिजल्ट तैयार करके रखे हैं, और रिजल्ट अब हमका लगा था अभी हमने जो शिक्षक महासंघ में बात हुआ है, हम लोग ऑनलाइन मीटिंग बैठे रहे और हर एक पालिका के शिक्षा विभाग भी कहीं ना कि इस महीना के 20 गते के अंदर अंदर रिजल्ट निकाल दो कहके बात आ पा है, बहुत पालिका 15 गते ही आज ही रिजल्ट निकाली है, और नेपालगंज नगर पालिका अविलंब रिजल्ट निकालो कहके कोहलपुर अविलंब के सूचना निकाल चुके हैं, जो जो हम सूचना पढ़े हैं, तो अब रिजल्ट निकले के बाद बच्चे लोग पास जो हुई हैं तो उससे भी थोड़ा खुशी हुई है बच्चे लोग, और भरना अभियान तो प्रभावित तो हुआ है, बहुत प्रभावित हुआ है इससे। अब हमका नहीं लगा था अभी शिक्षा मंत्री के जो हम मंतव्य सुने हैं इससे नहीं लगा था कि आषाढ़ तक विद्यालय संचालन हो के अभी अवस्था है, और इसमें सबसे ज़्यादा अभी आप प्रश्न उठावा गया है SE एग्जाम के एक दिन पहले सूचना आवा कि SE एग्जाम रोका जाए, पूरा तैयारी रहा, सीट प्लानिंग हुई होगा रहा, केंद्राध्यक्ष की भी तैयारी होगा रहा, अब कल सुबह 8 बजे से परीक्षा लेना है कहके पूरा मिशन में रहे सारा केंद्राध्यक्ष लोग, सारा शिक्षक लोग, सारा विद्यार्थी लोग भी अपन मानसिकता बनाई लेना कि कल से परीक्षा दे के, वही समय में परीक्षा रुका, शाम के 6 बजे के बाद सूचना आवा कि
परीक्षा न हुई ऐसी, इससे बच्चे लोग के दिमाग में नकारात्मक असर तो पड़ा है। फिर भी अभी ये महामारी है, पहले अभी कहा जाते हैं हम लोग जान है तो जान है, तो अब पहले जान बचावा जाए उसके बाद शिक्षा भी कभी आगे बढ़ावा जाए। तो नेपाल सरकार हमका लगा थे जल्द से जल्द कोई ना कोई विकल्प लाई है, अभी बीच में विकल्प लाई ना कि सेंटर बढ़ाए के भीड़ भाड़ कम कह के परीक्षा लिया जाए कह के, बीच में ये जो उदयपुर के घटना से गायघाट के घटना से संख्या बढ़े के बाद में और जगह भी ऐसा हो सका था कि ये थोड़ा सा अभी रुका है। और ऐसी परीक्षा का ही हम लोग विशेष लक्ष्य कह के ये जो ऑनलाइन शिक्षा कहा गया है एफएम मार्फत से रेडियो मार्फत से ऐसी का विशेष मद्देनजर रख के हम लोग ये संचालन करे हैं। और इस संगे और अभी अभिभावक लोग से ही हम लोग फोन करके पूछें तो कहीं कक्षा नीचे कक्षा के भी आधारभूत कक्षा के भी प्राइवेट शिक्षा के भी एक सुचारू के तो हम लोग 4 से लेके 10 तक एक अभी रेडियो शिक्षा शुरू किया गया है संचालन किया जी। खास करके अभी ऐसी की बात आवा तो कई विद्यार्थी लोगों से हमारी भी बात हुआ तो वो लोग कहें कि सर जो हम पढ़े रहे वो हम भूले के गगार माने धीरे धीरे भूल जाए फिर कैसे तैयारी, तो उनके एक मनोबल आप एक अभिभावक के नाते उनका का एक संदेश देख चाहे जैसे शिक्षा के गुरु की जिम्मेवारी भी है जी जी। कि उनके मनोबल न नीचे गिरे तो ये बात वो लोग उनके मन में बहुत जहन में बहुत चिंता है, उनका का संदेश खास करके आपसे कहा गया शाह जी उनका सभी बच्चे लोग का हमारे संदेश है अभी घरे बैठा जाए और सोशल डिस्टेंस बनावा जाए, कहूँ बाहर जावा जाते हैं तो साबुन पानी से हाथ धोवा जाए, सैनिटाइजर लगावा जाए और अपने मनोबल का कमजोर न किया जाए। आप जो वर्ष भर पढ़े हो वो वर्ष भर आपके नोट कापी हुई है उनके पास, बच्चे लोग के पास नोट कापी है, वो नोट कापी आप निकाल के सुबह शाम देखो और कोई भी प्रश्न आपका कठिन होते आप ना ही जानत हो तो शिक्षक महासंघ के पेज है, वीरेंद्र यादव, मामदेव सुवेदी, पवन कुमार यादव, आप फेसबुक खोलो उमा शिक्षक लोग के नाम है, विषयगत शिक्षक लोग के नाम है। आप अंग्रेजी का कोई कठिन परत है तो अंग्रेजी के शिक्षक का आप फोन कर सकत हो, नेपाली के कोई कठिन परत है तो नेपाली का, विज्ञान के तो विज्ञान का, सब 5 अनिवार्य विषय के शिक्षक लोग के नाम है, सब विषय के 5 शिक्षक, आप जौन शिक्षक से पूछे चाहिए आपका प्रश्न के उत्तर आपका बताइए, ये आपका जो कठिन परत है। तो और इस समय हम पहले भी कह दिए हैं कि पहले जान बचावे का है जी। अपने अपन परिवार का भी बचावे का, अपने आप का भी बचावे का, अपन समाज की बचावे का, अपन देश का भी बचावे का है, तभी हम लोग बच पाएंगे। तो अभी कुछ दिन आप लोग घर में बैठो, तैयारी करो, अपने जान का बचाओ, अपने परिवार का बचाओ, अपने समाज का बचाओ, अपने देश का बचाओ और मनोबल का कमजोर ना करो। ये रोग विश्व में फैला है, अमेरिका जैसे देश का भी बहुत महा बहुत परेशान बहुत आदमी मरा है, लेकिन हम लोग भाग्यमानी हैं कि हमारे देश में अभी बहुत ज़्यादा ये रोग नहीं फैला है। वहूँ में बांके जिला में ये रोग के अभी तक एको लक्षण नहीं देखे, एको आदमी में नहीं लगा है, क्योंकि हम आज तक के जो हम लोग कार्यक्रम रिकॉर्ड करी थे तब तक एक भी आदमी कोरोना वायरस के संक्रमित नहीं बबा है। ये हम लोग भाग्यमानी हैं, हम लोग सारा नेपाली भाग्यमानी हैं कि नेपाल में ये रोग के प्रभाव कम है और जल्द से जल्द ये रोग के निवारण हुई है, नेपाल सरकार ये में लगा है और नेपाल सरकार का हम आप सबको मिल के सहयोग किया जाए। ये लॉकडाउन के समय में घर में बैठा जाए, कोई ज़रूरी काम से सिर्फ बाहर निकला जाए और बाहर निकला जाता है तो कपड़ा या तो छाँट लो, धो लो, या और घर से प्रवेश करेगा अपन हाथ पैर बढ़िया से धो लो। और आप लोग ये रोग से बचे के एक यही उपाय है, आप लोग से सभी बच्चे लोग से हम कहे के चाहते हैं, अभिभावक से भी कहे के चाहते हैं और अभिभावक का और क्या कहे के चाहते हैं कि अपने बच्चे का सुबह और शाम कम से कम 2 घंटा आप लोग बच्चे के साथ में रहो, उनका पढ़े के लिए कहो। हमने लोग कि बच्चे जो किशोर अवस्था के बच्चे रहते जो 9-10 में जो बच्चे पढ़ाते जो अभी ऐसी 11-12 के परीक्षा जो तैयारी कर रहे थे वो सब किशोर अवस्था के बच्चे लोग हैं, इनके मन में नकारात्मक प्रश्न ज़्यादा आवत है, ये उम्रें ऐसे हैं, हम आप भी उम्र में रहें तो इस समय में उनका मोबाइल चलावे का, टीवी देखे का और गेम खेले का मोबाइल में और बातचीत करे का साथी भाई से ज़्यादा इच्छा होते, तो ये एक परीक्षा भी हो अभिभावक लोग के लिए भी बहुत बड़ा कठिन परीक्षा है कि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक अपने बच्चे का एफएम सुनावा जाए,
कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज में कार्यक्रम आवत है, वो कार्यक्रम सुनावा जाए। उसके बाद सुबह शाम बच्चे के साथ 2 घंटा आप लोग बैठा जाए। और अभिभावक लोग से भी हम कहे थे कि हमारे फेसबुक में वामदेव सुवेदी के फेसबुक में, शिक्षक महासंघ के पवन कुमार यादव जी के फेसबुक में रोस्टर शिक्षक लोग के नाम है, वो नाम और टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, उन नंबर से अगर कोई आपके बच्चे का कोई कठिन परत है कहूँ तो फोन वहाँ आप फोन करके अपने बच्चे का प्रश्न हल करे का आप कोशिश किया जाए। एक तो जिज्ञासा जिसे विद्यार्थी लोगों में क्या हुआ कि अब नाम ना लिखा है एफएम के मार्फत से क्लास तो होते हैं, जी जी, नाम कहाँ लिखा जी, कब लिखा जी, कैसे उनके मन में अब नाम ही नहीं लिखा जी, तो एफएम से पढ़े से मतलब अषाढ़ के बाद कोई संभावना है कि नाम भरना हुई जी फोन मार्फत या स्कूल जाके एक एक दो दिन लोग भरना करेंगे कि बादे में हुई, भरना अभियान कैसे हुई तो खास करके? अब भरना अभियान के लिए बच्चा तो नाम तो वैसे लिखा है बच्चे लोग का जो पास, जी जी, जो पास हुआ है, जो फेल हुआ है, सबके बच्चे के नाम तो है ही है, लेकिन रिजल्ट प्रकाशन होने से बच्चे के मन में थोड़ा सा हौसला आवत कि हम पास बहन फेल बहन। तो हम लोग का अब रिजल्ट निकाल के फेसबुक में और मैसेंजर में और मीडिया लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रयोग करके उसका डाले के विचार करें हम लोग, और स्कूल के बाहर भी टांगे से एक एक बच्चे आए के भी और एक बच्चे से दूसरे बच्चे से सूचना दे के भी रिजल्ट हमका लगा थे बच्चे तक पहुँचे कोशिश किया जाइए हम लोग। तो बच्चा लोग ये सोचा जाए कि आपके नाम लिखा है, आप 5 पास भए हो तो 6 में ऑटोमेटिक आपके नाम लिखा है, आप 8 पास भए हो अभी 8 में परीक्षा दिए हो, 8 के भी 17 गति रिजल्ट निकाले के बात करें नेपाल महानगर पालिका खजुराहाज निकाला थे, कोहलपुर के भी तैयार, लगभग सब गाँव पालिका के रिजल्ट तैयार है, अब सिर्फ निकाले की देरी है, और 3 ठो नगर पालिका सूचना भी निकाल सकेंगे अविलंब रिजल्ट निकाल दे सौ कह के, तो रिजल्ट भी अब निकलिए, आपके नाम अगर पास हो आप तो ऑटोमेटिक आपकी क्लास एक क्लास बढ़ जाएगी, आपके नाम लिखा रखा है, बस पढ़ाई सुचारू हुई है उस समय में आपका पढ़े गए। और अषाढ़ के बाद क्या हो सकता, मतलब गवर्नमेंट के एक व्यक्तिगत रूप में कहा जाए जैसे जीवन में हम लोग अषाढ़ के बाद हम लोग COVID-19 कोरोना वायरस से हम लोग निकास हो उसके बाद फिर आगे जनजीवन का कैसे विद्यार्थी लोगों से हम लोग घुलमिल हो पावा जी के अब अंतिम संदेश विद्यार्थी लोगों का अब का देख चाहते कहे कि हो सके तो अषाढ़ से लंबा भी जाए फिर भी विद्यार्थी लोगों का तो यह हो पड़ा कि जल्दबाजी ना करे पड़ा, होपलेस ना हो पड़ा कि बहुत जल्दबाजी आते हो जाए और उसके बाद फिर कहे नहीं अब अषाढ़ के बाद है तो प्रिपेयर ना होगी, जैसे तैयारी करे रहे लेकिन अषाढ़ के बाद ना हो तो फिर भी वो अपने घर में ऑनलाइन कहे पूरा विश्व ऑनलाइन से पढ़ा रहा है जी जी, इन नेपाल में नवा है या कहा जाए एशिया कंट्री में नवा है, अमेरिका में तो देखो अमेरिका के एग्जाम भी हम लोग ज्यादातर डीबी कुछ भी ऑनलाइन ही होते हैं, ये नवा विषय है, तो अषाढ़ के बाद भी न हुआ तो विद्यार्थी का क्या संदेश आपसे जाए? बच्चे लोग से हम विद्यार्थी लोग से कहा कहे चाहते हैं कि फिर से पहले वाला बात दोहराई थे कि नेपाल में अभी तक सिर्फ 52-53 केस देखा है जी। आज तक की 52 की रिपोर्ट है और बाकी जिला में और बहुत जिला में इस रोग के संक्रमण नहीं है, और जौन जौन जिला में संक्रमण है उस जिला का रेड जोन मान के लॉकडाउन बढ़ाई है और जिला में धीरे धीरे लॉकडाउन का थोड़ा सा खुला दिए हैं। तो मान लिया जाए कि अब अभी पड़ोसी राष्ट्र में बहराइच तक रानपारा तक ये रोग आएगा है और सीमा हम लोग के अभी लॉकडाउन के वजह से बंद है और सीमा तो खुले एक दिन तो खुलबे करिए तो इधर भी आ ही सकते हैं, तो हम सरकार से पहले अनुरोध करे चाहे थे कि जब तक पड़ोसी राष्ट्र में ये रोग बढ़िया से निक न हो जाए तब तक बॉर्डर का न खोले, और बॉर्डर न खोलिए तो हमका लगा थे बांके जिला में अषाढ़ से विद्यालय संचालन की अवस्था आई है, अगर नहीं बाबा तो बच्चे लोग से हम कहते हैं कि घरे बैठा जाए आराम से बैठा जाए और किताब कापी सकभर हम लोग अभी शिक्षा कार्यालय से बात होते अगर ये लॉकडाउन नहीं खुला तो किताब कापी बच्चे लोग के घर घर तक भी पहुँचावे के हम लोग प्रयास किया जाइए एरिया में स्कूल में या तो कक्षा वाइज 10-10 विद्यार्थी का बुलाए के एक सामाजिक दूरी बनाए के किताब बांटे के बात होते हैं, अगर ये भी ना बाबा तो कोई नया उपाय अपनाए के हम लोग बच्चे लोग के हाथ हाथ में किताब दे के प्रयास किया जाइए, और
यी कार्यक्रम जो रेडियो मार्फत जो कार्यक्रम आवते हैं हम लोग के 94.5 MHz से, ये कार्यक्रम का निरंतरता जिया जी है। अभी एक महीना के लिए हम लोग कार्यक्रम बनाए हैं और ये कार्यक्रम का हम लोग निरंतरता दे के और सब क्लास के कमती में एक घंटा समय दे के हम लोग एक कार्यक्रम का आगे बढ़ावा जी। खास करके एक जिम्मेवारी ऐसा भी लगा है जैसे आपके बात से या एक अनुभव की अब जिम्मेवारी अभिभावक के कंधा पर आवा है। अभी तक गुरु पढ़ाए दें जी जी। या जो है शिक्षक ही पढ़ाए दें और सब शिक्षक देखे तो हमारे कोई जिम्मेवारी ना, अब तो लॉकडाउन के टाइम में अभिभावक भी घर में है 24 घंटा के लिए फ्री है। वो चाहे तो 2 घंटा जो FM के टाइम है उसके अलावा भी चाहे तो 2-2 घंटा अगर सुबह शाम दे दे तो शायद लगते स्कूल के जो कोटा है यानी कि जो गुरु पढ़ावते हैं और खुद भी फोन में अपने वही शिक्षक से जुड़ जाए जो विशेष है, तो उनके लिए एक खास करके अभिभावक की तरफ से अभिभावक का आपके संदेश क्या है? यही बात है 2-2 घंटा चाहे तो समय पहले 6 घंटा बच्चे लोग हमारे लोग के पास विद्यालय में रहते रहे, अब 18 घंटा तो अभिभावक के पास रहते रहे, अब 6 घंटा प्लस कहे कि 24 घंटा ये बच्चे लोग अभिभावक के साथ में और अभिभावक जी लोग भी अब घरेन में हैं, कोई काम से बाहर नहीं जा रहे हैं। तो अभी सबसे बड़ा परीक्षा अभिभावक जी लोग के लिए भी है कि आप अभी तक जो आपके बच्चा पढ़े नहीं, जैसे कोई बच्चे 2 कक्षा में पढ़े हैं तो अपने नाम लिख लेते कि नहीं, उनका गिनती आवत कि नहीं, उनका पहाड़ा आवत कि नहीं, वो ABCD बढ़िया से पढ़ लेते कि नहीं, वो अक्षर पहचानत कि नहीं। आजकल हर अभिभावक कुछ ना कुछ पढ़े हैं तो अपने बच्चे का वो समय दे और समय दे के वो बच्चे का निखारे का प्रयास करे और वो संग संगे अपने घर में शिक्षा तो अनेक प्रकार के होते कृपा जी, ऐसे हमारे बच्चे लोग अभी घर में जो खाना पकाए वाला बर्तन उनके नाम है नहीं जानते, तो घर में आप बैठे हो तो बच्चे लोग का सिखाई दो तो ये खाना पकाए वाला बर्तन ई हो, घास काटे वाला ये हसिया हो, खेत खाने वाला ये फरुआ हो, ये भी एक शिक्षा हो। और 4 बर्तन रख के आप गिनाए दो बच्चे के 1, 2, 3, 4 तो ऐसे भी गिन लिए। परिवार में नाता गोता को है, अभी तो हम लोग इतना व्यस्त हो गए हैं कि अपने नाता गोता की भी पहचान नहीं है, अपने रिश्तेदार से भी पहचान नहीं है। तो इस समय में अपने रिश्तेदार ई हो, अपने कुल ई हो, अपने वंश ई हो, हम लोग ई धर्म मना जाते, ई धर्म के अच्छाई ई सब हो, भगवान का हो, भगवान पे कहा है हम लोग आस्था रखते, ये भी शिक्षा जो अभिभावक पढ़े ना है लेकिन अपने धर्म के बारे में कुछ ना कुछ तो जाना थे, अपने नाते गोते के बारे में तो जाना थे, अपने घर में काका बर्तन है वो बर्तन के नाम बच्चे लोग का सिखाई दें, खाना कैसे पकावा जाते हैं ये भी एक शिक्षा हो, तरकारी कसके काटा जाते ये भी एक शिक्षा हो, अभी बच्चे लोग का झाड़ू पोछा भी अपने बच्चा का लगावे सिखाए ये भी एक शिक्षा हो, जीवन उपयोगी शिक्षा हमने कहे मतलब इस समय में अभिभावक लोग पढ़ाई के संग संग अपने बच्चे का जीवन उपयोगी शिक्षा भी सिखावे। ये आपके लिए जो कठिन समय है, ये कठिन समय में ये COVID-19 में जब समस्या आवत है तो उनके समस्या के संग संग कुछ उपलब्धि भी आवत है, कुछ नया निकास भी आवत है, तो नया इस लॉकडाउन के समय में आप अपने बच्चे का कुछ नया चीज़ सिखावा जाए, हर चीज़ जितना चीज़ सिखाइयो आप उस वही शिक्षा हो, सिर्फ विद्यालय में बच्चा पढ़े से शिक्षित ना होते कि घर में भी यही सब भी पढ़ावे से बच्चा शिक्षित हो। बच्चे हम लोग देखा जाते हैं हमारे बच्चे लोग अभी हमारे बच्चे भी 12 पढ़ा थे लेकिन उनका चाय सिवा और कुछ नहीं बनावे आवत, लेकिन ये लॉकडाउन में वो बच्चिया अभी खाना भी पका लेते झाड़ू पोछा भी लगा लेती, तो उनके महतारी उनका सब चीज़ सिखाई ने साथ साथ में हम लोग भी सिखाए, तो ये पारिवारिक शिक्षा भी बच्चे का होना भी जरूरी है। क्या है कि बच्चे तो अब 12 कक्षा पढ़े के बाद बाहर जाइए, बाहर जाए के बाद में उनका खाना पकावे दाल पकावे के लिए कौन बर्तन चाहिए, चाय पकावे के लिए कैसा बर्तन चाहिए, भात पकावे के लिए कैसा, उनके ज्ञान जब तक न हुए तब तक वो बाहर एडजस्ट न हो पाइए, तो इस समय में ऐसा भी शिक्षा अभिभावक लोग अपने बच्चे का दें और जो बच्चे पढ़े ना उनका सुने कि आप काका पढ़े, जैसे हमारे शिक्षित परिवार से फिर भी हमारे मम्मी अपने नाम लिखे के सिवा हमारे मम्मी का कुछ नहीं आवत, अपने सिग्नेचर का थे 2-4 अक्षर चिन्ह थे मम्मी, तो हम लोग जब छोटे रहें तो मम्मी भानसा में रही तो हम लोग धीरे कहें बच्चा पढ़ा थो तो हाँ पढ़ी थे, तो आवाज ना ही सुनी थे तुमने लोग के, तो हम लोग हम कहें मम्मी पढ़ी तो है मने मन पढ़ी थे, हम लोग कहा जाता रहा हम लोग 3 भाई बहन रहे तो कहें मने मन पढ़े सुनाए होते जोर से पढ़ो कि हमू सुनी,
तो इससे क्या होता कि हम तब पढ़े लगित रहे, अब मने मन पढ़े तो कहाँ पढ़ो, न पढ़ो या पढ़ो सिर्फ किताब देखो, मन मन दूसर बात खेलो। तो जो अभिभावक पढ़े नहीं है, नहीं जान पावा, तो अपने बच्चे का और पढ़े बच्चे का भी बोल के पढ़ावेगा प्रयास किया जाए, इससे कुछ न कुछ उपलब्धि हुई है हमको लगा थे। हम लोग कार्यक्रम के अंत में आए गए ना, आज आपसे बहुत अच्छा लगा, खास करके जो COVID-19 की अवस्था, जो लॉकडाउन, अभी कोरोना वायरस की वजह से घर घर में बैठे विद्यार्थी लोग और कई विद्यार्थी लोगों के मन में बहुत कुछ समस्या रहा है, उसके आप निदान भी किया गया। अंत में यहाँ छोटे शब्द में, दुई शब्द में क्या कहा चाहिए, उसके बाद कार्यक्रम के अंत में हम लोग। अंत में हम सबसे पहले तो कृपा जी का धन्यवाद देख चाहते हैं, बागेश्वरी टेलीविजन का धन्यवाद देख चाहते हैं, और संपूर्ण विद्यार्थी और अभिभावक जी लोग का कही थे कि अभी के समय बहुत बड़ा संकट के समय है, इस संकट के समय में भी अपने आप अपने घर में अपने बच्चे लोग का, अभिभावक लोग का कही थे कि अपने बच्चे लोग का पढ़ाई में थोड़ा सा समय दिया जाए, आप लोग बच्चे लोग अगर मोबाइल टेलीविज़न देखाते तो उनका टेलीविज़न भी देखे दिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कोरोना वायरस के जो समाचार आवते हैं COVID-19 के, वो समाचार बच्चे का ज़्यादा ना सुना बजे, समाचार में दिन भर वही चीज़ आवाज करते हैं, कुछ मनोरंजन के चीज़ भी बच्चे लोग का दिखावा जाए, और सुबह शाम कमती में 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, और 1 घंटा दोपहर के, और जो हम लोग के कार्यक्रम आवत है वो कार्यक्रम सुनावा जाए, बच्चे लोग में कुछ ना कुछ उपलब्धि हुई है। अभी नेपाल शिक्षक महासंघ आप लोग के घर घर तक विद्यालय का लाइदीन है, प्रत्येक घर में अभी विद्यालय है, जौन घर में रेडियो हो, जौन घर में FM सुना जाते हैं, तो घर घर में अभी विद्यालय है, ये घर घर के विद्यालय के उपयोगिता समझा जाए और इके फायदा लिया जाए, हम अत्ते कहे चाहिए। आदरणीय दर्शक बिंद, आज हम लोग उनके समक्ष में आ रहे हैं नेपाल शिक्षक संघ बांके के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी, जिसे और संस्कृति अंतर्गत बागेश्वरी विशेष कार्यक्रम में बातचीत किया गया, अगले भाग में फिर नवा विषय वस्तु के साथ उपस्थित हो जी, तब तक के खातिर विदा दिया जाए, नमस्कार।